हाय गाइस, तो चलिए आज हम बनाते हैं मसाला डोसा। तो चलिए गाइस, मैंने चावल को भिगो लिया रात भर और उसे मैंने पीस लिया। फिर उसके बाद मैंने उड़द सफ़ेद दाल को भी भिगो के पीस लिया, रात भर भिगाया उसे भी। और उसके बाद मैंने ये दोनों बैटर को मिक्स कर लिया और उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। इसे मैं अच्छी तरीके से फेंट रही हूँ, आप भी इसे अच्छी तरीके से फेंट लीजिए और इसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। फिर उसके बाद इसे और फेंटिए। फिर इसे तवे पे एक चम्मच भर डालिए और इसे घुमाइए। उसके बाद मसाला होगा आपके पास या चटनी होगी, हरी या लाल। मेरे पास लाल थी तो मैंने डाली। उसे फैलाइए और उसे आधा मोड़ दीजिए और उसके बाद चटनी बनाएंगे गाइस। हम शेंगदानों को लेंगे। मेरे पास मैंने एक कप शेंगदानों को लिया, छोटा कप था मेरे पास। आपके पास जो भी आपके ज़रूरत अनुसार आप लीजिए। मैंने हमारे कप से मोच कर एक कप लिया शेंगदाने और उसे भूंज लिया। और फिर इसे अच्छी तरीके से भूंजने के बाद मैंने एक प्लेट निकाल लिया, उसके छिलके निकाल लिए और हरी मिर्च, लहसुन और कोथिंबीर इन सबको ले लिया और उसमें मैंने शेंगदाने डाल दिए और उसका एक फाइन पेस्ट बना लिया। और तड़के के लिए मैंने राई और कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया और उसमें लगा दिया। तो आपका मसाला डोसा विद चटनी रेडी है गाइस। खाइए, पिए, खुश रहिए और लाइक्स